हाँ, मैं डीएन वर्मा स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय सर में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम यानी द्वि बीज पत्री तना में होने वाले द्वितीयक वृद्धि के बारे में तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है स्टेम का जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ क्या है तो प्राइमरी ग्रोथ यानी प्राथमिक वृद्धि क्या है तो तना का जो एपेक्स है स्टेम का जो एपेक्स है तना का जो अग्रभाग है उस पर पाया जाने वाला जो मेरिस्टिमेटिक टिश्यू यानी जो विभाजी उत्तक है उसको एपिकल मेरिस्टेम और हिंदी में अग्रस्थ विभाजी उत्तक कहा जाता है जब एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करता है तो तने के लंबाई को स्टेम के लेंथ को बढ़ाता है और इस तरह के जो है वृद्धि को जो लंबाई बढ़ रहा है पौधे का इस तरह के वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि इंग्लिश में प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम बाय द डिवीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ तो फिर सेकेंडरी ग्रोथ क्या है तो कहता है कि जब प्राइमरी ग्रोथ जो है तेजी से शुरू में होता है इसके बाद प्राइमरी ग्रोथ का रेट थोड़ा स्लो हो जाता है और स्टेम का गर्थ यानी गोलाई में जो मोटाई है ये बढ़ने लगता है तो स्टेम के गर्थ का बढ़ना यानी तना के मोटाई का बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है और सेकेंडरी ग्रोथ जो है कैसे होता है इसके बारे में ही हम लोग इस वीडियो में विशेष रूप से जानेंगे डायकोट स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि हो रहा है इसके लिए कैम्बियम रिंग और कॉर्क कैम्बियम रेस्पॅंसिबल होता है कैम्बियम रिंग क्या है कॉर्क कैम्बियम रिंग क्या है जानेंगे इसको तो पहले जान लेते हैं कि जो डाइकोट स्टेम है इसका अगर हम लोग सेक्शन देखेंगे जब इसका सेक्शन काटकर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसमें डिफरेंट रीजन बाहर से सेंटर की ओर नजर आते हैं इसको विस्तार से अगर जानना हो तो आप मेरा एनाटॉमी वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम तो जब सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन के एक पार्ट में दिखाया हूं मैं कि सबसे बाहर जो है एपिडर्मिस का लेयर होगा इसके बाद हाइपोडर्मिस का लेयर होगा इसके बाद कॉर्टेक्स का लेयर होगा इसके बाद इंडोडर्मिस का लेयर होगा जो थोड़ा वे भी होता है इंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल पाया जाता है पेरिसाइकल जो है के बाद नीचे भेस्कुलर बंडल है पेरिसाइकल के नीचे और दो पेरिसाइकल और भेस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेज है और सेंटर में पिथ पाया जाता है तो जो वेस्कुलर बंडल है इसमें फ्लोएम जो है प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर और प्राइमरी जाइलम जो है वो सेंटर की ओर केंद्र की ओर होता है और फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो है कैम्बियम पाया जाता है इस कैंबियम को इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम या सिर्फ फैसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं तो ये पहले हम लोग जान लें कि ये जो हमारा इतना सारा लेयर है डायकोटिस्टियम का जो सेक्शन देख रहे हैं इसमें इसको हम लोग दो ग्रुप में बांट लेते हैं इंडोडर्मिस से अंदर का रीजन जो है वो स्टीलर रीजन कहलाता है और इंडोडर्मिस के बाहर का रीजन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन कहलाता है तो सेकेंडरी ग्रोथ दोनों जगह होता है स्टीलर रीजन में भी हो रहा है और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में भी जो है सेल के डिवीजन से सेकेंडरी से ग्रोथ हो रहा है स्टीलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ लाने वाला मेरिस्टमेटिक लेयर है इसको कैम्बियम रिंग कहते हैं यानी स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण आता है कैम्बियम रिंग के कारण आता है कैम्बियम रिंग जो है डिवाइड बनेगा कैम्बियम रिंग जो है बाहर और अंदर की तरफ नया नया सेल बनाएगा जिससे स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होगा और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जो है कॉर्क कैम्बियम बनता है यह कॉर्क कैम्बियम जो है बाहर और अंदर की तरफ नया नया सेल डिवाइड करके बनाता है जिससे एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होता है और दोनों के मिले जुले प्रभाव से पूरे स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है इसलिए जो सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग पढ़ रहे हैं डाइकोट स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं इसको हम लोग दो ग्रुप में बांट लेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन यानी स्टीलर रीजन में होने वाला द्वितीय वृद्धि और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन यानी स्टील के बाहर वाले रीजन में होने वाला द्वितीय वृद्धि तो पहले चलते हैं स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन स्टीलर रीजन में होने वाला जो द्वितीय वृद्धि है इसमें पहले जानेंगे फैसिकुलर या इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम क्या है इंटर फैसिकुलर कैम्बियम क्या है कैम्बियम रिंग कैसे बना और एक्टिविटी जो है देखेंगे कैम्बियम रिंग का कि कैसे ये एक्टिविटी कर रहा है और सेकेंडरी ग्रोथ ला रहा है तो सबसे पहले जानते हैं फैसिकुलर कैम्बियम या फैसिकुलर कैम्बियम क्या है तो फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि जो वैस्कुलर बंडल है इसमें पेरिसाइकल के नीचे जो वैस्कुलर बंडल है इसमें पेरीसाइकल के लोअर मोस्ट लेयर के सबसे नीचे जो है वो फ्लोएम पाया जाता है फ्लोएम के बाद जो है कैम्बियम रहता है और उसके बाद जो है जाइलम रहता है तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो कैम्बियम पाया जा रहा है वेस्कुलर बंडल वाले रीजन में केवल इतना ही रीजन में वेस्कुलर बंडल वाले रीजन में इस कैम्बियम को इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम या सिर्फ फैसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं अब दो वेस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेस का रीजन है यहां पर किसी तरह का कैम्बियम रिंग नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ लाने के लिए जो मेडुलरी रे है मेडुलरी रेस जो है वह रीजन जो कि ठीक इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम के बीच में पड़ रहा है तो दो फेस्कुलर बंडल के इंट्रा इंट्रा कैम्बियम कैंबियम, कैम्बियम फैसिकुलर कैम्बियम के बीच में मेडुलरी रेस का जो लेयर पड़ रहा है सेल का वो मेरिस्टमेटिक जो है हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है तो दो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल के अंदर है इसके बीच मेडुलरी रेज वाले रीजन में जो कैम्बियम बनता है उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं वेस्कुलर बंडल के अंदर का कैम्बियम जो है इंट्राफेसिकुलर और वेस्कुलर बंडल के बाहर मेडुलरी रेज वाले रीजन में जो बना वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अब इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर पूरा एक रिंग बना देता है और इसी रिंग को वेस्कुलर रिंग या कैम्बियम रिंग कहते हैं तो ये हमारा कैम्बियम रिंग जो है कैसे बना जान गया तो पहले जान गए फेस्कुलर फेसिकुलर या फेसिकुलर कैम्बियम क्या है तो वेस्कुलर बंडल के अंदर का कैम्बियम जो है फेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है मेडुलरी रेज वाले रीजन में दो वैसकुलर बंडल के इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में जो लेयर जो कैम्बियम बन रहा है नया कैम्बियम कैम्बियम जो बन रहा है उसको कहते हैं और इंट्रा और कैम्बियम मिलकर जो है एक रिंग बना देता है जिसको कैम्बियम रिंग कहते हैं अब ये कैम्बियम रिंग का जो है एक्टिविटी देख लेंगे जब कैम्बियम रिंग बन गया तो कैम्बियम रिंग जो है अंदर के तरफ और बाहर के तरफ जो है नया नया सेल बनाने लगता है डिवाइड कर अंदर के तरफ पहले से जो जाइलम था वो प्राइमरी जाइलम था तो इसीलिए अंदर के तरफ जो अब नया सेल बनेगा वो सेकेंडरी जाइलम बनेगा बाहर के तरफ जो है प्राइमरी फ्लोएम था इसलिए बाहर के तरफ अब जो नया सेल बनेगा वो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा लेकिन अंदर के तरफ जो सेल बन रहा है इसके बनने का रेट फास्ट होता है बाहर के तरफ जो सेल बन रहा है इसके से बनने का रेट थोड़ा स्लो होता है यही कारण है कि सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है यानी सेकेंडरी फ्लोएम के तुलना में सेकेंडरी जाइलम का निर्माण ज्यादा होता है अब सेकेंडरी जाइलम जो बनते चला जा रहा है प्राइमरी जाइलम को सेंटर में ढकेलते जाएगा क्रस होते जाएगा एक समय ऐसा आएगा कि प्राइमरी जाइलम लगभग खत्म हो जाएगा और सेंटर का पूरा रीजन जो है वो सेंटर और उसके अराउंड का पूरा रीजन जो है वो सेकेंडरी जाइलम से भर जाता है थोड़ा बहुत प्राइमरी जैलम का अवश्य सेंटर में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ये तो हो गया जैलम वाले रीजन में वैस्कुलर बंडल वाले रीजन में अब कहता है मेडुलरी रेज वाले रीजन में जो है भी जो ये, रिंग है, ये कहता है कि मेडुलरी रेज वाले रीजन रेज में भी जो है नया नया सेल बनाता है तो उसको सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहेंगे अब नया जो है जो रे बनेगा नया जो है पेरन सेल बनेगा उसको हम लोग सेकेंडरी मेडुलरी रेस कहेंगे तो देखें कि कैसे जो है हमारा कॉर्क कैम्बियम बना और कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करके कैसे अंदर के तरफ सेकेंडरी जालम और बाहर के तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाया वैस्कुलर बंडल वाले रीजन में और मेडुलरी रेस वाले रीजन में जो है पैरेनकाइमेटस सेल को बनाया जो कि सेकेंडरी मेडुलरी रेस का निर्माण करते हैं क्या तो यह हो गया सेकेंडरी ग्रोथ किस में स्टीलर रीजन में अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में ऐसा क्या होता है जिसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है और अंदर की तरफ जब नया सेल बनाता है तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होता है स्टीलर रीजन में होने वाले सेकेंडरी ग्रोथ के कारण स्टीलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है इसके कारण जो बाहर का जो लेयर है इपीडर्मिस का हाइपोडर्मिस का और कॉर्टेक्स का कुछ लेयर जो है ये जो है टूटने लगता है इसमें दरार पड़ने लगता है तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए या भित्री भाग को जो है बचाने के लिए बाहरी प्रभाव से माइक्रोब से जो कॉर्टेक्स है कहाँ है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जो कॉर्टेक्स है इसका दो लेयर ठीक है मैस्टेमेटिक हो जाता है और दो लेयर का जो है एक रिंग बन जाता है मेरे टिश्यू का मेस्टिमेटिक सेल का जिसको कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन कहते हैं ठीक है ये दो लेयर रहता है कॉर्टेक्स के जो है सेल्स का जो कि मैं हो गया और क्या बना दिया फेलोजेन या कॉर्क कैम्बियम बना दिया अब यह कॉर्क कैम्बियम जो है जब एक्टिव हो जाएगा तो बाहर के तरफ और अंदर के तरफ नया नया सेल बनाना शुरू करता है बाहर के तरफ जो ये सेल बनाएगा बाहर की तरफ जो नया लेयर सेल्स का बनेगा उसको हम लोग कॉर्क कहते हैं या फिर कॉर्क या फेलेम कहते हैं पी एच ई डबल एल ई एम कॉर्क कहिए या फेलेम कहिए और अंदर के तरफ जो नया नया जो है सेल का जो है लेयर बनेगा इसको फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहेंगे ठीक है अंदर के तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बाहर के तरफ कॉर्क अब बीच में हमारा में एस्टिमेटिक लेयर था क्या कॉर्क कैम्बियम सबको जो है एक बार फिर जान लेते हैं जो कॉर्क कैंबियम है इसको कहते हैं बाहर के तरफ जो कॉर्क बनेगा इसको फेलेम कहेंगे अंदर के तरफ जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा इसको फेलोडर्म कहेंगे तीनों को फेलेम को फेलोजेन को और फेलोडर्म को यानी कॉर्क को कॉर्क कैम्बियम को और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मिलाकर एक साथ पेरीडर्म कहते हैं बाहर जो कॉर्क का लेयर बना है इस कॉर्क का जो सेल है इस कॉर्क को बनाने वाले जो सेल्स हैं इनका दीवाल पतला होता है इसमें का जमा हो जाता है और सुविरीन जो है इम्परबियस होता है वाटर के लिए अब इसके चलते जो है पानी इस लेयर को पार करके बाहर नहीं जा पाता है इसलिए बाहर के जो लिविंग सेल्स हैं बाद में जो है डेड होकर गिर जाते हैं तो ये हमारा रहा कि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हुआ तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जो कॉर कैम्बियम बनाया ये जो है बाहर और अंदर जो है फेलोडर्म बनाया जिससे एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जो है गर्थ बढ़ा और स्टीलर रीजन में कैम्बियम रिंग जो ने अंदर के तरफ सेकेंडरी जेलम और जायलं। बाहर के तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाया था इसके कारण स्टीलर रीजन में गर्थ बढ़ा कुल मिलाकर टोटल जो है स्टेम का गर्थ जो है इसी दोनों जो है रिंग के कारण जो है बनता है तो ये हमारा रहा पूरा सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम यानी बीज पथरी जो है तना में द्वितीय वृद्धि कैसे होता है अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे बार्क क्या है हार्ट उड क्या है सैप उड क्या है हार्ड उड क्या है सॉफ्ट उड क्या है उसके बाद लेंटी सेल्स क्या है तो ये सब जो है इसी से रिलेटेड है इसको जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए जिसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यवाद